Assalamu alaikum students, hope you will all be fine. I am teacher Nazish of class 4. Today we can start our lecture number 10 of SST. So open your book page number 70. Open your book page number 70. आज हम जो पढ़ेंगे वो अपना टॉपिक है, उसका गवर्नमेंट के बारे में हम लोग पढ़े हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है कि वो किस तरह हमारा जो है वो मुल्क चलाती है. अब गवर्नमेंट के लिए एक मुल्क को चलाना आसान काम नहीं होता, बल्कि एक गवर्नमेंट के मुख्तलिफ किस्म के जो टास्क हैं वो पूरा करना पड़ता है. गवर्नमेंट के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को हैंडल करना पड़ता है, सारे प्रोविंसेस को हैंडल करना पड़ता है. तो फिर गवर्नमेंट क्या है, वो आगे प्रोविंसेस में अपनी जो है वो गवर्नमेंट लोगों को हायर करती है ताकि वो उसकी हेल्प कर सकें गवर्नमेंट पूरे मुल्क को कंट्रोल करने में. अभी हम इसकी रीडिंग करेंगे. रनिंग द गवर्नमेंट इज़ अ ह्यूज टास्क टू मेक इट ईजियर. द प्रोविंसेस हैज़ देयर ओन गवर्नमेंट एंड देयर ओन कैपिटल सिटीज़. इसी तरह जब पूरे मुल्क, अब ये तो नहीं हो सकता कि पूरे मुल्क के जो अफेयर्स हैं वो सिर्फ एक शहर में हल हों. पूरे जो मुल्क के अंदर मामलात आ रहे हैं तो हम लोग कहते हैं जी नहीं, हम इस्लामाबाद में सारे हमारे सेक्रेटेरिएट हैं तो इस्लामाबाद में ही मसले हल होंगे. क्या होगा कि जितने भी हमारे पाकिस्तान में प्रोविंसेज हैं उन सब के कैपिटल सिटीज़ हैं जहाँ पर उनके सारे सेक्रेटेरिएट्स, उनकी मिनिस्ट्रीज़, उनकी सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल होंगी जहाँ पर वो अपने अपने प्रोविंस के मसलों को हल कर सकेंगे. तो क्या होगा कि हम लोग जो हैं हर शहर के अपने जो हैं वो कैपिटल सिटीज़ हैं. जैसे पंजाब है, पंजाब का कैपिटल सिटी लाहौर है, सिंध का कराची है, खैबर पख्तूनख्वा का पिशावर है और बलूचिस्तान का कोयट है. यानी कि ये उसके कैपिटल सिटीज़ हैं उन प्रोविंसेस के जहाँ पर उनके तमाम जो मामलात हैं वो जो हैं उनको हल किया जाता है, हैंडल किया जाता है. नेक्स्ट आपका फेडरल गवर्नमेंट आ जाता है. फेडरल गवर्नमेंट जब हम पढ़ा था, जब हम मैंने आपको बताया था कि फेडरल गवर्नमेंट कौन सी होती है, जो कि आपकी हुकूमत अपने जब कुछ मिनिस्टर्स को अपने कुछ डिपार्टमेंट्स को हैंडल करने के लिए एक टीम बनाती है, दैट्स कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट. यानी कि कुछ मिनिस्टर्स आपके होते हैं जो कि आपके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को हैंडल करते हैं, आपके नेशनल अफेयर्स को देखते हैं, दैट्स कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट. अब इसमें कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स शामिल होते हैं, जिसमें आपके गवर्नर भी शामिल हैं, आपके चीफ मिनिस्टर्स भी शामिल हैं, आपके प्रोविंशियल सेक्रेटेरिएट्स हैं, प्रोविंशियल असम्बलीज हैं, प्रोविंशियल जुडिशरी है. ये आपके वो इदारे हैं जो कि आपके फेडरल गवर्नमेंट में आते हैं. यानी कि जो जो जिन मिनिस्टर्स को एक प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या वोटिंग के जरिए जो आपके मिनिस्टर्स चूज होते हैं उनमें से कुछ मिनिस्टर्स को मिला के एक टीम बना दी जाती है, दैट्स कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट. जो क्या करती है, आपके प्रोविंस को, आपके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को हैंडल करती है और उनके मसलों को सॉर्ट आउट करती है. अब इन्हीं जो ये जो आपको अब मैंने पॉइंट्स बताए हैं फेडरल गवर्नमेंट के, ये जो मेन चीज़ें हैं इनके बारे में ही हम इसमें मसीर जो है वो स्टडी करेंगे. गवर्नर क्या होता है, गवर्नर वो शख्स होता है जो बगैर वोटिंग के, ये नहीं होता गवर्नर के लिए वोटिंग नहीं होती, बल्कि जो प्रेसिडेंट होता है वो अपनी मर्जी से किसी एक शख्स को, अपनी मर्जी से अपने किसी शख्स को हर सूबे में अपॉइंट करता है ताकि वो उस सूबे के मुतलक आप उनको मुख्तलिफ किस्म की जो हैं वो डिटेल्स फ्राहम कर सके कि उस सूबे के अंदर क्या क्या काम हो रहे हैं, दैट्स कॉल्ड गवर्नर. गवर्नर को मैं फिर बता रही हूँ, गवर्नर एक ऐसा शख्स होता है जिसकी वोटिंग नहीं होती, बल्कि प्रेसिडेंट जो होता है और पाकिस्तान जो है वो अपनी मर्ज़ी से एक शख्स को अपॉइंट करता है जो ताकि वो उस सूबे के बारे में उसको मज़ीद जो है वो इन्फॉर्मेशन दे कि उस सूबे के अंदर जो काम हो रहे हैं वो गवर्नमेंट के जो है अंडर रह के हो रहे हैं या गवर्नमेंट के मुनाफी काम हो रहे हैं. अगर वहाँ पर जो है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई काम हो रहे हैं या हुकूमत जो है वो लॉज के ख़िलाफ़ या जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ काम हो रहा है, तो फिर क्या है, गवर्नर को ये हक हासिल होता है कि वो इस असम्बली को ख़त्म कर सकता है, वो सूबे में हुकूमत को ख़त्म कर सकता है. ठीक है, इसकी आप रीडिंग करेंगे. नेक्स्ट आपका चीफ मिनिस्टर है. चीफ मिनिस्टर कौन सा होता है, चीफ मिनिस्टर होता है जो आपका हेड होता है आपके सूबे का. जैसे पंजाब है, सिंध है, सरहद है, बलूचिस्तान, ये हमारे जो सिटीज़ हैं, हम हमारे जो प्रोविंसेस हैं, हमारे जो सूबे का एक हेड होता है. आपको पता है ना, जैसे आपके क्लास में रहते हैं, क्लास में मुख्तलिफ बच्चे होते हैं, क्लास में अगर किसी एक को रिप्रेजेंटेटिव बना दिया जाता है, जैसे आपके स्कूल में ग्रुप्स हैं, आपकी यूनिटी है, फेथ है, डिसिप्लिन है, उन हर जो है वो ग्रुप का एक लीडर बना दिया जाता है ताकि डायरेक्ट जो है प्रेजिडेंट हर एक शख्स से बात करने के वो अपने लीडर से बात करता है कि आपके सूबे के अंदर ये काम हो रहे हैं, उनके अंदर जो है वो क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं. इसी तरह हर सूबे का एक लीडर बना दिया जाता है जो कि अपने सूबे के हर काम के बारे में जवाबदेह होता है. तो ये क्या होता है, जो हर सूबे का लीडर होता है, जो हेड होता है, हेड ऑफ द प्रोविंस इज कॉल्ड द चीफ मिनिस्टर. द चीफ मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द प्रोविंस ऑफ द गवर्नमेंट. द मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली इलेक्ट द चीफ मिनिस्टर. अब ये क्या होता है कि हम लोग मुख्तलिफ जो MPs को वोट करते हैं, जो MPs आपके होते हैं, उनमें से किसी एक शख्स को आप चूज़ करके, जिसको आप वोटिंग के जरिए चूज़ करते हैं, जिसको ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, उसको हम चीफ मिनिस्टर
बना देते हैं। नेक्स्ट आपका प्रोविंशियल सेक्रेटेरिएट है, द सेक्रेटेरिएट इज कंप्राइज, अब इसके अंदर यह है कि कोई एक मिनिस्टर नहीं होता, कोई एक डिपार्टमेंट नहीं होता, बल्कि मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स के मिनिस्टर्स हैं या मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स के हेड्स हैं जब एक जगह पर बैठ कर काम कर रहे होते हैं, दैट्स कॉल्ड प्रोविंशियल सेक्रेटेरिएट। एक सूबे के अंदर जब मुख्तलिफ मिनिस्टर्स मुख्तलिफ जैसे डिपार्टमेंट आपके हेड वो हेल्थ है, एजुकेशन है, या मुख्तलिफ किस्म की आपके जो मामलात हैं सूबे के, जब उन तमाम के मिनिस्टर्स या हेड्स एक जगह पर बैठ के काम करते हैं, दैट्स कॉल्ड प्रोविंशियल सेक्रेटरी। प्रोविंशियल असम्बली यानी कि जितने आप अपने MPA सेलेक्ट करते हैं, आप देखें जैसे पंजाब है, पंजाब के हर शहर में से MPA सेलेक्ट होता है जो कि पॉपुलेशन के लिहाज से होता है। जितने भी हमारे MPAs पंजाब के इलाके में सेलेक्ट होंगे वो क्या करेंगे, अब ये तो नहीं कि एक जो MP है वो दूसरे MP से रابطہ करने में उसको टाइम लगेगा, यानी कि वहाँ पर उसको जाके रابطہ करेगा या उसके मुलाकात करेगा, वो क्या करते हैं तमाम MPAs एक जगह पर बैठ के अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं, अपनी बताते हैं कि हमारे सूबे में ये काम होने वाला है या हमें ये इतनी ग्रांट चाहिए या हमें ये काम होने वाला है, तो क्या करेंगे वो एक जगह पर जब बैठ कर उसकी मीटिंग करते हैं, दैट्स कॉल्ड प्रोविंशियल असेंबली। वो सिर्फ एक सूबे की होती है, उसमें दूसरे सूबे का इंटरफेयर नहीं होता, हर सूबे की अपनी असेंबली होती है। इसी तरह प्रोविंशियल जुडिशरी होती है कि जैसे कि आपके पता आपको पता है कि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी अदालत है वो आपकी क्या है, सुप्रीम कोर्ट है। अब हर सूबे के अंदर जो है वो पहले वो जो है आपका छोटे मोटे फाइट्स हों या मसले हों तो आप सेशन कोर्ट में या क्रिमिनल कोर्ट में जाते हैं। सेशन कोर्ट से अगर मसला जो है आपका सॉर्ट आउट नहीं होता, आप उससे सेटिस्फाइड नहीं होते, तो आप उसको कहाँ पर, हाई कोर्ट पर लेके जाते हैं। जो आपकी प्रोविंशियल जुडिशरी है, जो आपकी सूबे के अंदर जो आपकी सबसे बड़ी अदालत है, दैट्स कॉल्ड हाई कोर्ट, जो कि आपकी पंजाब की है, पंजाब की हाई कोर्ट है, या सिंध की है, या बलूचिस्तान की है, यानी कि अपने सूबे में जो सबसे बड़ी कोर्ट है, दैट्स कॉल्ड हाई कोर्ट। अगर आप हाई कोर्ट के भी डिसीजन से फाइनल नहीं होते तो फिर आप क्या करते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट है वो आपके पूरे मुल्क की कोर्ट है, आपके मुल्क के अंदर जो सबसे बड़ी कोर्ट है, दैट्स कॉल्ड सुप्रीम कोर्ट, एंड द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज कॉल्ड द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। यानी कि प्रोविंशियल जुडिशरी के अंदर वो होता है कि आपके अगर छोटे मोटे मसले हैं जो आपको अगर आप उस किसी की भी फैसले से अगर सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप क्या करते हैं, आप उसके लिए जो है वो चैलेंज करते हैं ताकि आप उसको मज़ीद जो है आपको कोई इंसाफ मिल सके, तो आप हाई कोर्ट में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का अगर आपका फैसला आता है तो आप उसको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। ये नीचे आपकी पिक्चर्स बनी हुई हैं, आप इसकी क्या करें बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इन दोनों की रीडिंग करेंगे, वर्ड्स मीनिंग को हाईलाइट करेंगे और इनके कॉन्सेप्ट भी हाईलाइट करेंगे।